फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं कुक फूड पैराडाइज। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तो आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। पनीर बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल को बॉईल करना है। तो चावल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने 5 से 6 कप पानी डाला हुआ है और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि 1 तेज़पत्ता, 1 स्टार फूल, दालचीनी, इलायची, लौंग और बड़ी इलायची। ये सारे खड़े गरम मसाले हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारा चावल जो है वो फीका फीका ना लगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल, ताकि हमारा जो चावल है वो एक दूसरे में चिपके ना और स्टिकी स्टिकी ना हो। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम पानी को उबलने देंगे। पानी जब उबल जाए उसमें उसके बाद इसमें हम डालेंगे चावल। चावल मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया हुआ है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चावल डालने के बाद इसे हम बॉईल करेंगे लगभग 70 से 80%। इसे हमें पूरा बॉईल नहीं करना है। अगर हम इसे अभी पूरा बॉईल कर देंगे तो हमारा जो चावल है वो बहुत ही सॉगी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल हमारा 70 से 80% बॉईल हो चुका है। तो इसे हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। हम यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए एक पैन, यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक का यूज़ किया हुआ है, अगर आपके पास नॉनस्टिक है तो आप उसी का यूज़ करें। जब बर्तन हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे तेल। तेल मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालने से हमारे बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए अगर आपके पास घी है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जब तेल और घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे खड़े जीरा 1 छोटी चम्मच और इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ है और इसमें हम डाल देंगे। और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है और अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका थोड़ा कच्चापन ना निकल जाए। 1 मिनट के बाद जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी मैंने यहाँ पे सिंपली ब्लेंडर जार में 2 टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया है और टमाटर को हम भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। टमाटर की प्यूरी अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम हल्दी का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें 1.5 छोटी चम्मच, गरम मसाला का पाउडर डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच, देगी मिर्च का पाउडर डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच। कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालने से हमारे बिरयानी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसका अच्छे से पूरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए, लगभग 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और ऑयल भी पूरा सेपरेट हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे दही। दही मैंने 1/2 कप लिया हुआ है अच्छे से फेंट के। इस दही को अच्छे से फेंट के ले, अगर आप ऐसे ही दही को डाल देंगे तो वो फटाफट लगने लग जाएगा। दही को डालने के बाद फिर से हमें इसे भुनना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए सारे मसाले और दही मेरे अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरा धनिया लगभग 1/3 कप और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, इसे मैंने 20 से कट कर लिया है 3 से 4। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि इसमें हम चावल डालेंगे तो चावल में भी हमारा नमक लगना चाहिए। नमक डालने के बाद इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स।
उसके बाद मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है और इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। इसे हम डाल देंगे बिरयानी के मसाले में। इसे मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया हुआ है, आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। पनीर को डालने के बाद इसे मसाले में हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1/3 कप। इसे हम कर देंगे मिक्स और ढक देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है वो पनीर में अच्छे से चला जाए। 2 से 3 मिनट होने के बाद हमें करनी है चावल की लेयरिंग। आधा पनीर मैं इसमें से निकाल लूँगी एक प्लेट में। उसके बाद जो हमने चावल बॉईल करके रखा हुआ था, आधा चावल हम फर्स्ट लेयर में डाल देंगे इस तरह से और अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया और जो पनीर हमने निकाल के रखा हुआ था इसके ऊपर हम डाल देंगे। फिर जो बचे हुए चावल है उसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे सेकंड लेयर के लिए। जब सेकंड लेयर डल जाए चावल का, उसके ऊपर हम फिर से डालेंगे कटी हुई हरा धनिया और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर 1 से 1.5 छोटी चम्मच, ताकि हमारे बिरयानी का टेस्ट आए। केवड़ा वाटर डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे फूड कलर डालने के बाद इसे हमें दम देना है। यहाँ पे मैंने लेयरिंग अच्छे से कर दी है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डाल दी है। अब हम इसे देंगे दम। तो दम देने के लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल लिया हुआ है और इसे हम ऊपर से अच्छे से ढक देंगे। सिल्वर फॉइल लगाने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, ताकि अंदर का जो एयर और स्मेल है वो बाहर ना आए। उसके बाद गैस के ऊपर रखेंगे हम तवा। तवा को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद बिरयानी वाले बर्तन को हम तवा के ऊपर रखेंगे और गैस के आँच को हम बिल्कुल लो रखेंगे। इसे हम दम देंगे 15 मिनट के लिए। अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिरयानी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है और हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखने में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। जितनी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो मैं इसे करती हूँ सर्व और आप देख सकते हैं मेरे चावल भी कितना ज़्यादा खिले खिले हैं, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुए हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रायता के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।